इंदौर में दलित लोगों की प्रताड़ना का मामला हो या दीन दुखियों की सेवा का, अखिल भारतीय भलाई महासंघ मदद के लिए सदा तत्पर रहता है। एक बार फिर लॉकडाउन के दौरान अखिल भारतीय भलाई महासंघ गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए आगे आया है। लॉकडाउन के दौरान भी कोई परिवार भूखा ना रहे, इसके लिए भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार और उनकी टीम लगातार गोपुर और आसपास के निर्धन लोगों को प्रतिदिन राशन वितरित कर रही है। इस दौरान सबसे अच्छी बात यह है कि सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, जिसके चलते सभी लोगों को एक निश्चित दूरी पर बिठाया जाता है।24 मार्च 2020 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉकडाउन पूरे देश में घोषित किया गया था। दो दिन पश्चात ही दिहाड़ी मजदूरों की जो है अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी थी। तीसरे दिन से भूखमरी की कगार पे वे लोग आ चुके थे, क्योंकि उनका कार्य सुबह से बेलदारी करना, दिहाड़ी मजदूरी करना, रोजनदारी पे मजदूरी करना था। ऐसे में उनके पास में कोई बैलेंस शीट नहीं रहती है, ना ही किसी प्रकार का स्टॉक रहता अनाज का। तो वो 27 मार्च 2020 से हमारा ये कार्यक्रम चालू हुआ अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में श्री भूतेश्वर महादेव सेवा समिति के द्वारा। यह अनाज वितरण का कार्यक्रम 27 मार्च से लगातार चल रहा है और प्रतिदिन 1000 से 1500 लोग प्रतिदिन लाभान्वित होते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को हम भोजन की व्यवस्था कराएं, क्योंकि यह हमारा मानव धर्म है। हमने देखा कि लॉकडाउन के पहले माता जी का भंडारा, भैरू बाबा का भंडारा, भोले बाबा का भंडारा, खूब 56 भोग हमने ईश्वर को लगाया। ये जिंदा राम, जिंदा कृष्ण, जिंदा बुद्ध, महावीर हमारे सामने हैं, जो भूख से व्याकुल है, भूख से तड़प रहे हैं। तो हमारे को लगता है कि यही ईश्वर स्वरूप दरिद्र नारायण है, इनकी सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। इनकी सेवा कर कर ही हम मोक्ष को पद को प्राप्त कर सकते हैं। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।